जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। लिसन, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर वाइस वर्सा। एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स एसी एंड एबी रिस्पेक्टिवली। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। अब देखो, ये आपको रिस्पेक्टिवली का मीनिंग तो मालूम होगा ना, बीई और सी एफ लिखा है और फिर ए सी एंड ए बी, इसका मतलब बी ई इज ऑन ए सी एंड सी एफ इज ऑन ए बी। ओके, सी एफ इज ऑन ए बी एंड बी ई इज ऑन ए सी, ये दो एल्टीट्यूड्स हैं। एल्टीट्यूड्स जानते हो बच्चों, जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। और ये ट्राइंगल कैसा है, ये ट्राइंगल आइसोसेलस है, इसमें ए बी एंड ए सी आर इक्वल, ये पहले ही गिवन है, ये दोनों इक्वल हैं। और ये जो इक्वल साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, ये आपको बस बताया गया है कि ये परपेंडिकुलर्स हैं, आपको बताना है कि ये इक्वल होंगे। अभी तो आपको इतनी नॉलेज है कि ये परपेंडिकुलर है, आपको बस ये बताना है कि ये इक्वल भी होंगे। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं एसी और एबी पर क्रमशः शीर्षलंब बीई और सीएफ खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर है। ये देखिए सॉल्यूशन, इस ट्राइंगल एबीसी में एसी और ए बी इक्वल दी हुई है। ठीक है, बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये भी गिवन है। आपको क्या शो करना है कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ। देखो बच्चों, एक ये एंगल इक्वल, अभी मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ है ना आपके साथ, ये एंगल इक्वल गिवन है, ये साइड्स इक्वल गिवन है, तो मैं क्या करूं कि ये साइड भी आ जाए और ये एंगल भी आ जाए। कौन कौन से ट्राइंगल ले लूं मैं कि जिसमें ये साइड आ जाए और ये एंगल आ जाए, है ना, थोड़ा सोचने वाली बात है ना। तो मैं सबसे पहले लूंगी सी एफ बी, ठीक है, और फिर लूंगी मैं बी ई सी। लेकिन आप कहोगे इसमें साइड तो आई नहीं, तो हम ये जो साइड है ना इसका दूसरा वाला यूज़ करेंगे। वो कौन सा यूज़ है बेटा, वो ये है कि जब किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, है ना। जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, गॉट इट। तो ये वाला मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। तो अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, सी एफ बी लिया, और कौन सा लिया, बी ई सी लिया। अब आप देख लो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल आ गया। एक तो ये इक्वल इसके, हाँ ये 90 तो ये भी 90, और बी सी कॉमन। देखो ना, ये वाला ट्राइंगल लिया तो भी बी सी है, ये वाला ट्राइंगल लिया तो भी बी सी है, ठीक है ना। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, और बी सी कॉमन। देखो ए ए एस हो गया ना, ए ए एस, कौन सी अप्लाई हो गई, ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पर हमने ये मेंशन कर दिया कि देखो, सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि ए सी और ए बी अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बी और सी इक्वल हो गए। अब सी एफ बी और बी ई सी, सी एफ बी और बी ई सी, ये दो ट्राइंगल लिए, एफ और ई 90 के हैं, बी एंड सी आर इक्वल, बी सी बी सी कॉमन। तो बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए ए एस सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, और सी पी सी टी के द्वारा ये जो हमको चाहिए था वो मिल गया। क्या मिल गया कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, गॉट इट। तो हमने क्या किया, ये जो हमको इक्वल साइड्स गिवन थी ना, इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल है ऐसा मान लिया, ठीक है, और फिर अपना कार्यक्रम पूरा कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिसन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। ए बी सी एक त्रिभुज है,
जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। इस बार आपको ये परपेंडिकुलर्स इक्वल दिए, पिछले वाले में आपने परपेंडिकुलर्स को इक्वल प्रूव किया था और अब आपको ये परपेंडिकुलर्स इक्वल दिए हैं। दर्शाइए कि ABE, ये वाला ABE दिख रहा है आपको, ABE ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ACF के। ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने को बोल रहे हैं और जैसे ही बेटा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से AB इज इक्वल टू AC तो आ ही जाएगा, है ना। तो मेन चीज़ तो ये रहती है, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, यानी कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो समद्विबाहु तो होगा ही होगा, जैसे इंग्लिश में भी ऐसे ही दिया है, ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, शो दैट ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, AB इज इक्वल टू AC। तो हम केवल ये प्रूव करेंगे, ये तो CPCT से ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, ठीक है। तो पहले यहीं पर देख लो आप कितना ईजी है, आप खुद बोलोगे कि अरे हाँ ये तो वाकई ईजी है। कौन कौन से ट्राइंगल लेने को बोल रहे हैं, ये ले रहे हैं ये वाला ABE, है ना, और कौन सा ले रहे हैं ACF ऊपर वाला, ठीक है। चलो देखें क्या क्या इक्वल है, एक तो ये इक्वल है, ये है ना, तो BE और CF इक्वल, एक तो ये साइड मिल गई। दूसरा एंगल का मुंह इस तरफ कर लो, ये वाले ट्रायंगल के लिए CAF, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है इसमें ये एंगल ले लो, और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें ये एंगल ले लो, है ना। इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल लो मैंने डार्क कर दिया और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल हो गए। एंगल A इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, ये दोनों में कॉमन है, और BE इज इक्वल टू CF गिवन है, तो ये हो गया AAS, है ना, हो गया ना AAS, और इधर से ले तो AAS, तो AAS अप्लाई हो गई और ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देख लो दोबारा, इसमें भी देख लो आप BE क्या गिवन है आपको, पहले गिवन टू शो और सॉल्यूशन ऐसे किया करो, तो BE ये रहा BE, BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC। देखो बेटा हमने इधर इन्होंने बुक में लगाया है, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 है फिर, है ना। ऐसे ही CF के लिए यहाँ पर लगाया है, अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 है, दोनों पे 90 है। तो चलिए शुरू करते हैं, ABE ये ट्राइंगल का ये 90, इस ट्राइंगल का ये 90, एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा एंगल A, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ तो उसमें भी है, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ तो उसमें भी है, एंगल A दोनों में हो गया। तीसरा BE इस एंगल ट्राइंगल की और CF इस त्रिभुज की, BE इस त्रिभुज की, CF इस त्रिभुज की, तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर हो गई, तो कोण कोण भुजा, ठीक है ना, कोण कोण भुजा, एंगल एंगल साइड अप्लाई हो गया। इसका मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, किस नियम के द्वारा, AAS सर्वांगसमता नियम से, ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम, और जब ये सर्वांगसम हो गए तो CPCT से AB और AC इक्वल आ गए। तो मैंने लिख दिया था यही दर्शाना था, हैंस शोर्ड, फिर मुझे याद आया उन्होंने ऐसे भी बोला है तो ऐसे भी लिखना पड़ेगा कि ABC इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा बच्चों, जब मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया तो मैंने देखा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट करने को, तो आपको समझाते समझाते मेरे माइंड में आया क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, AB और AC इक्वल दी हुई है, ठीक है। तो जब मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया तो AB आ गई, और जब मैंने ये वाला त्रिभुज लिया तो AC आ गई, एक काम तो हो गया। दूसरा कोण A इसमें भी कॉमन और इसमें भी ये भी हो गया। तीसरा ये 90 डिग्री का इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो ये इसमें भी हो रहा है, तो यहाँ भी कौन सी अप्लाई हो जाएगी, AAS। मतलब कहने का है कि इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, एक जो मैंने पहले बताया और एक जो इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो वैसे भी एक क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा मेथड्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो, ईजी भी है। ABC और DBC समान आधार BC, ये दिख रहा है BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये भी आइसोसेलस है, समद्विबाहु है,
और ये भी समद्विबाहु है। दर्शाइए कि ए बी डी, ये जो बड़ा वाला कोण है, बड़ा वाला कोण ए सी डी के इक्वल होगा, ये दोनों कोण इक्वल होंगे, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी, शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। देखिए ये कितना 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 सिंपल है। देखो ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, ए बी सी दिखा, इसमें ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। क्या नाम है इन अपोजिट एंगल्स के भाई? एक का नाम है ए बी सी, दूसरे का नाम है ए सी बी। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं, अतः ये ऊपर वाले दोनों कोण बराबर। ठीक है, अब नीचे वाले त्रिभुज को देख लो, नीचे वाले त्रिभुज में भी तो दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, है कि नहीं? तो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, हो गया, हो गया ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, ओरल है ना। अब इसको लिखित में देख लीजिए। सबसे पहले गिवन, आपको क्या गिवन है? ए बी सी व डी बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल्स। ओके बेटा, ये इंग्लिश वाले लिख लेंगे और ये हिंदी वाले लिख लेंगे। टू शो, आपको शो क्या करना है? ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, इतना ही शो करना है ना। अब हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ, अभी मैं लिखने के हिसाब से बता रही हूँ। ए बी सी में इन ट्राइंगल ए बी सी इंग्लिश वाले लिख लेंगे और त्रिभुज ए बी सी में हिंदी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये रहा, ये क्या लिख दूँ मैं इसको? गिविन है ना, दिया है, ये आपको दिया है। तो जब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यहाँ पर आप पूरा कारण लिखेंगे, आप समझे मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समान भुजाओं के विपरीत कोण भी समान होते हैं, यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार त्रिभुज डी बी सी में डी बी और डी सी इक्वल है, यहाँ भी ये दोनों इक्वल होंगे और यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे उपरोक्त कारणानुसार। इंग्लिश वाले लिखेंगे रीज़न सेम एज अबव, जो कारण यहाँ दिया था वही कारण हम यहाँ देंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। ए सी बी जुड़ जाएगी डी सी बी के साथ, देखो ना ये रहा, ए सी बी जुड़ गया डी सी बी के साथ और ए बी सी जुड़ गया डी बी सी, ए बी सी जुड़ गया डी बी सी के साथ, ये बढ़ के जुड़ जुड़ के बड़े बड़े एंगल बन गए। इसका नाम हो गया ए सी डी, इसका नाम हो गया ए बी डी। मैंने ऐसे पलट के लिख दिया क्योंकि बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तो ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। ठीक है, देखो बच्चों, हर जो गणित होता है ना पूरा ए टू जेड सब एक जैसा तो होता नहीं है, ये है ज्योमेट्री, इसमें थोड़ा सा हमको खुद का भी समझना होता है एक्स्ट्रा। तो ऐसा सोचो कि एक वीडियो को आप दो बार तीन बार चलाकर देखो, बार बार देखो, तब आपको बहुत आराम से आ जाएगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो फिर तो आप खुद भी कर सकते हो। तो इसको आप पहले समझो, उसके बाद खुद लिख कर देखो, एक बार नहीं दो तीन बार इन क्वेश्चंस को खुद अपने पेन से पेंसिल से करके देखो, तो आपको 100% कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चंस लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।